प्यारी जी है? आप मेरी पोटली ढूंढने में मदद करोगी ना? वो बाजी वाले कमरे में है। पक्का? पक्का। चल। ऐसे कुछ नहीं होगा, खुद ही जाना पड़ेगा। क्यों चड्डा साहब, ऐ किएगा? ये किसका है? पता नहीं सर। रख दो ना अंदर। जी बिल्कुल। लेके घूम रहा है, चलो। कहाँ था तू? अरे रानी कुत्ता जी, आपको मेरी याद आई? मुझे भी। सिकंदर अब प्लीज कुछ कहना मत, कुल्फी को इतना डांट कर मुझे और ही बहुत बुरा लग रहा है। और मैं समझती हूँ, अगर ये शादी हमें निभानी है तो मुझे भी तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। अब क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट कर पाओगे? डरता नहीं हूँ, बस कभी कभार थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। कुल्फी अब कुछ दिनों के लिए हमारे साथ इस घर में रहेगा। नॉट फेयर मॉम, एक तो आपने मुझ पे इतना प्रेशर डाल रखा है और अब आप इस चाचा को भी वापस ले आई। ना बच्चे, मायरा मैं तो लाइफ ही भूल गई। ये कोई गुदगुदी जैसी चीज होती है क्या? मुझे भी जब गुदगुदी होती है ना तो बहुत मजा आता है। जीव जोची बॉय। मायरा। कुल्फी, चलो उठो। मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जाती हूँ ताकि तुम फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदल लो। कपड़े गीले हो गए ना, अगर बुखार आ गया या सर्दी लग गई तो गला खराब हो जाएगा। लेकिन हम जा कर रहे हैं प्यारी जी? आपके रूम में। अब आपके कमरे में। मेरा कमरा? जी हाँ, आपका खुद का कमरा है इस घर में, देखना है? आ जा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सुपरस्टार बनूं तो किसके लिए? हमारा बड़ा कमरा। पर मैं तो इतने जगह पे भी सो जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज से आप यहाँ सोना। ये कमरा तो बहुत सुंदर है प्यारी जी।
यहाँ से तो आसमान भी दिखता है। आपको अच्छा लगा? तो आज से ये कमरा आपका। मेरा? पर मैं तो अपनी पोटली मिलते ही यहाँ से चला जाऊंगा। आपको मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरी पोटली ढूंढ दीजिए। आपकी पोटली आपको मिल जाएगी, आप फिकर मत करो। आप तो मेरे घर पे गेस्ट हो ना? हैं? मतलब मेहमान। जब तक आपकी पोटली नहीं मिलती तब तक आप मेरे घर पे गेस्ट हो और मेहमान की सेवा की जाती है, तो आपके आराम की सारी जिम्मेदारी मेरी। आप तो सच्ची बहुत प्यारी है प्यारी जी। थैंक यू। अब आप जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करवाती हूँ। ओके, भूख लगी होगी ना? बाय। मुझे लड़का मिल गया। अब जल्दी से कुल्फी की आवाज रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अमायरा को दे देती हूँ, ताकि अमायरा कल रोशन कुमार के सामने परफॉर्म कर पाए और सिर्फ अपने होठ हिलाए। आवाज कुल्फी की, चेहरा मेरी अमायरा का, लिप सिंक। इट्स जीनियस, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। क्या हो गया मेरी प्रिंसेस को? मेरी तो लाइफ ही हो गई है दादा। आप स्माइल कर रहे हो? आप भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते? सॉरी, आई एम सॉरी। आप समझाओ मुझे। मेरी मम्मा बच्चों प्यार नहीं करती। इतनी बड़ी बात, ऐसा क्यों लगता है आपको? दादा, आपने देखा नहीं क्या? मॉम ने वहाँ पे मुझे बात भी नहीं की और बस उज्जैती भाई कुल्फी की साइड ली।